नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लॉकडाउन का बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये गोल्डन पीरियड है उन लोगों के लिए जो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो सच में अपॉर्चुनिस्ट है। मैंने देखा है, अक्सर पढ़ा है दोस्तों, कि जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसी समय इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनीज को खरीदते हैं जिस समय स्लो डाउन होता है, जिस समय इकोनॉमी डाउन होती है। और मैंने ये भी देखा है कि वो बिजनेसमैन, वो लोग, वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं जो इस तरह के समय का फायदा उठाते हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और जैसे ही ये खुलता है वो तो पूरी तरह से तैयार होते हैं। दोस्तों, युद्ध की तैयारी तब करनी चाहिए जब शांति हो। इस समय आप और मैं बाहर जाके तो कोरोना से युद्ध नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें घर पे रहना है। लेकिन घर पे रहते हुए हम उस युद्ध की तैयारी जरूर कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में लड़ा जाना है, जो कि हमारे जॉब्स पे लड़ा जाएगा, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में लड़ा जाएगा, क्योंकि ये कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें बहुत बदलने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस का सिनारियो कैसे होने वाला है, कौन सी 10 इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाली है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे जबरदस्त वीडियो आपके सामने इस चैनल के द्वारा आते रहेंगे। सो दोस्तों, सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट कोरोना का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे हुआ है, मेडिकल इंडस्ट्री पे हुआ है एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री पे हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन अब डबल होने वाला है। जितनी भी मेडिसिंस बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी आप जितने भी मेडिकल चीजें हैं जैसे कि ग्लोव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, ये तो आप देख ही रहे हैं कि तेजी से बिक रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री पे तो बहुत ज्यादा असर होने वाला है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा है हेल्थ इंडस्ट्री पे लिए, क्योंकि लोग अब ज्यादा से ज्यादा तेजी से अपना वेट रिड्यूस करना चाहेंगे, लोग अब तेजी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहेंगे, लोग अब एक्सरसाइज करना चाहेंगे, योगा करना चाहेंगे, मेडिटेशन करना चाहेंगे, प्राणायाम करना चाहेंगे, योगा टीचर्स की मदद लेना चाहेंगे या फिर जिम इंस्ट्रक्टर्स की मदद लेना चाहेंगे। तो हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। अगर आप ऐसा कोई भी उपाय जानते हैं जिससे कि लोगों की सेहत पे अच्छा प्रभाव पड़ सके, तो मैं कहूंगा कि आपको तैयार हो जाना चाहिए बड़ा वॉल्यूम हैंडल करने के लिए एंड आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को आज इसी समय रेडी कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगली इंडस्ट्री है दोस्तों, होम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। होम एंटरटेनमेंट मतलब क्या? होम एंटरटेनमेंट का मतलब है जितनी भी कंपनीज जो कि वीडियो गेम्स बना रही है, जितनी भी कंपनीज जो कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है जो कि घर पे बैठे एंटरटेनमेंट का सामान आपको दे रही है, अमेजन प्राइम हो गया, या फिर जितनी भी कंपनियां जो है एप्स है ऐसी जहां पे स्टूडेंट्स घर पे बैठे बैठे काफी सारे गेम्स खेल सकते हैं, काफी नए नए इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, होम एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये कहा जाता है कि इंटरनेट के होम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सर्विसेज में 60-70% का इजाफा हुआ है इन लास्ट 10-12 दिनों के अंदर। दोस्तों, इट्स अ वेरी 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 बिग इंडस्ट्री। उसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग इज गोइंग टू ग्रो, क्योंकि आज का उपभोक्ता अब डरेगा मार्केट में जाने से, अब वो डरेगा भीड़ में जाने से, अब वो डरेगा कि भीड़ में जाके मुझे कौन सी बीमारी कब हो जाए, यू नेवर नो। एंड आप काफी सारे वीडियोज आपके पास व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आ रहे हैं और उन वीडियोज को देख के वैसे भी जनता थोड़ी सी डरने वाली है। सो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री। मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना है कि इस कोरोना वायरस के बाद अमेजन ने 1,00,000 एम्प्लॉइज को हायर करने का प्रस्ताव रखा है। 1,00,000 लोगों का हायरिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों, इट इज गोइंग टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इज दैट ओके? सो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में है, अगर आप ई कॉमर्स में है, अगर आप सच में अपना प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू बेचना चाहते हैं, ई बे वगैरह पे रजिस्टर करना चाहते हैं, तो दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर यू माई डियर फ्रेंड। This is the golden period. जल्दी से जल्दी उसको शुरू कीजिए। दोस्तों, अगला है ऑनलाइन एजुकेशन। यस, ऑनलाइन एजुकेशन। आज लोग ई लर्निंग के पीछे दीवाने हैं, आज लोग घर बैठ के कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, आज लोग बाहर नहीं जाना चाहते, इंस्टीट्यूट्स पे नहीं जाना चाहते। उसके बहुत सारे रीजन है। इस कोरोना वायरस के कारण जब लोग घर में लॉकडाउन में बैठे हैं तो वो सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, जैसे जूम वगैरह वेबिनार के प्लेटफॉर्म्स पे वो जुड़ रहे हैं, टीचेबल एंड कजाबी जैसे सॉफ्टवेयर से वो जुड़ रहे हैं ताकि वो घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज खरीद रखें। यूडेमी की चांदी हो गई है दोस्तों। सो ऑनलाइन
ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, बायजूस जैसी कंपनियां ग्रो कर रही है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ये $5 बिलियन की कंपनी बन चुकी है बायजूस, क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन के स्पेस में है। सो मैं आप सभी से विनती करूंगा, अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन है, कोई भी एक ऐसी नॉलेज है जो आप दुनिया को दे सकते हैं, उससे आप ग्रो कर सकते हैं या दुनिया को मदद कर सकते हैं, तो अपने ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करना जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। अगर आपको जानना है कि ये कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरा एक डिजिटल कोर्स अकेडमी करके प्रोडक्ट है, और उसके मैं वेबिनार्स लेता रहता हूं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। रजिस्टर कीजिए, मेरी टीम को कॉल कीजिए, फ्री वेबिनार्स के लिए रजिस्टर कीजिए, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान सके, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इज द बूम। मेरा एक साल का बच्चा है आजकल, उसकी एजुकेशन जूम के थ्रू हो रही है दोस्तों, ऑलराइट, क्योंकि स्कूल वालों ने जूम के थ्रू उसका क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आई मस्ट से। ऑलराइट दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी चाइना कर चुका है दोस्तों। चाइना में ये सभी चीजें, हेल्थ इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री, दे आर ऑल ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इन द लास्ट 3 months दे हैव ग्रोन बाय एटलीस्ट 100%, यस, इट्स अ बिग बिग नंबर, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट रियली पे अटेंशन टू दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू विन अ बिग टाइम इन दिस कोरोना काइंड ऑफ अ टाइम इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यस, वेबसाइट्स ज्यादा से ज्यादा लगी जाएगी, ऑनलाइन ब्रांडिंग के रिलेटेड चीजें और ज्यादा होगी, एप्लीकेशंस वगैरह बनेंगी लोगों के लिए, लोग हर चीज को वेब पे लाने की कोशिश करेंगे, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं वो भी अब ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट लगेगा। सो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग। अगर आप आईटी में हैं और आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना स्टार्टअप डाल दीजिए, जल्दी से जल्दी अपना स्टार्टअप है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए मार्केटिंग में, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो पीछे रह जाएंगे। ये डरने का समय नहीं है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड है। इस समय दिल खोल के अपनी मार्केटिंग में पैसा डालिए, अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं। बट यस, मार्केटिंग क्लास होनी चाहिए, मार्केटिंग बहुत ही सटल होनी चाहिए, मार्केटिंग बहुत ही इंपैक्टफुल होनी चाहिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, अगली इंडस्ट्री दोस्तों, ये है कंसल्टेंट्स की, कोचिंग की या ट्रेनर्स की इंडस्ट्री, जो कि मेरी इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स अब ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया करेंगे, लोग उनसे डायरेक्ट कंसल्टिंग करने के लिए मिलने आएंगे नहीं, क्योंकि ये कोरोना ने ऑलरेडी लोगों के अंदर इंपैक्ट डाल दिया है कि अरे ये तो चीजें ऑनलाइन से भी हो सकती है, ट्रैवल क्यों करना है। तो कोचेज एंड कंसल्टेंट बहुत ज्यादा आएंगे, एंड एट द सेम टाइम इजिली अवेलेबल हो पाएंगे, इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो पाएंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोचिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में अब अनसर्टेनिटीज भी आ गई है। उस अनसर्टेनिटीज से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कोच को हायर कर लो। काफी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के नए नए तरीके उनके पास नहीं है, लेकिन हम जैसे कोचेज एंड कंसल्टेंट्स का एक ही काम है, रिसर्च करना और लोगों को वो चीज देना जो लोगों को कल जरूरत पड़ने वाली है, या जिससे कि लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, या जिससे कि लोग ज्यादा अच्छे से पैसा कमा सके, अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके, और अपनी कंपनी और अपने बिजनेस को आगे ले जा सके दोस्तों। सो ऑनलाइन कोचिंग, ट्रेनिंग या कंसल्टिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ये कल्चर पहले ही अमेरिका में काफी टाइम पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इंडिया के लोग अभी तक इसको समझ नहीं रहे थे। इंडिया के लोग कहते थे नहीं, फेस टू फेस ही मिलना है, उसके बिना मजा नहीं आता है, उसके बिना पर्सनल टच नहीं आता है। दोस्तों भूल जाइए अब वो सब, अब आपको कोचिंग एंड कंसल्टिंग जल्दी से जल्दी मिल सकती है ऑनलाइन, और आपका कस्टमर भी तैयार है। अगर आप कोचेज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ऑनलाइन पे ले आइए। फिजिकल ट्रेनिंग का जमाना 50% से ज्यादा खत्म हो चुका है दोस्तों। जब से मैंने अपने आप को ऑनलाइन पे डाला है, मेरा ग्रोथ तो 3 से 4 गुना हो चुका है, और इस साल मेरा ग्रोथ कम से कम 8 गुना होने वाला है। एंड दैट इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड कंसल्टिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये कंसल्टिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, इट इज गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग। सो एवरी कंसल्टेंट शुड ग्रो। एट द सेम टाइम, अगर आप सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, या फिर आप किसी कंपनी में पिछले 10-15-20 साल से काम कर रहे हैं और आपका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है किसी चीज में, तो आप अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दीजिए। एंड आप 1-to-1 कंसल्टिंग कर सकते हैं, 1-to-many कर सकते हैं, वेबिनार सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हैं, आप स्काइप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, बट स्टार्ट डूइंग इट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टाइम बूमिंग इंडस्ट्री गाइस। ओके दोस्तों, अगली इंडस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है, और वो है डिलीवरी सर्विसेज की इंडस्ट्री।
डिलीवरी सर्विसेज यानी फूड डिलीवरी यानी कि कोई भी पार्सल डिलीवरी यानी कि कुरियर, ऑल दीज सर्विसेज आर गोइंग टू बी वेरी पावरफुल क्योंकि लोग ट्रैवल करने से ज्यादा डिलीवरी होम डिलीवरी को प्रेफर करेंगे. लोग चाहेंगे कि 2 रुपया एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन घर पे चीज आ जाए, ज्यादा बाहर जाना ना पड़े. उसके पीछे 2 रीजन है, एक तो आदत भी ऐसी होती जा रही है और दूसरा लोगों के अंदर डर भी बैठेगा और तीसरा डिलीवरी सर्विसेज का इंट्रोडक्शन और प्रचार इस दौरान ज्यादा हो चुका है. दोस्तों अगली इंडस्ट्री जिसका बहुत ज्यादा बोलबाला होने वाला है वो है पैक्ड फूड इंडस्ट्री. यस, पैक्ड फूड इंडस्ट्री यानी कि अब लोग काफी सारा सामान ऐसा लेने की कोशिश करेंगे अपने घर में जो ज्यादा समय तक चल सके, जो पैक्ड हो, जो रेडीमेड हो, जो कम समय में बन सके, जो प्रिजर्वेटिव हो, जो कि आप आसानी से कहीं पे कैरी कर सके अपने साथ, खराब होने का डर कम से कम हो. सो पैक्ड फूड इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ रही है. अगर आप पैक्ड फूड इंडस्ट्री में हैं या नहीं है और आना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम. आप पैकिंग के मसाले बेच सकते हैं, आप पैक्ड ऐसे कोई फूड जैसे गिट्स करके एक कंपनी है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुछ भी चीज आपको बनानी हो वो रेडीमेड आते हैं, आपको सिर्फ गर्म पानी में या उसको गर्म पानी में पैकेट को डालना होता है और बनी बनाई चीज तैयार है. आप उसमें धनिया टमाटर अपने हिसाब से डालें और खा सकते हैं तुरंत. सो पैक्ड फूड इंडस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों. एंड लास्ट मैं कहूंगा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से या ऑनलाइन एजुकेशन से अलग करूंगा क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योर में बहुत सारी चीजें आती है. जैसे कई सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि डिजिटल या इंटरनेट के थ्रू अपनी सर्विसेज को बेचते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटर्स हैं, जैसे कि वो लोग हैं जो कि फोटो एडिटिंग्स करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर छोटे मोटे लैंडिंग पेजेस बनाते हैं या फिर आपके कॉपी राइटिंग कॉन्टेंट करते हैं, आपके फेसबुक एड्स वगैरह को मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स को मैनेज करते हैं. ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स आपके जिंदगी में या डिजिटल ऑटोमेशन की से रिलेटेड आपको सर्विसेज देते हैं. ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं दोस्तों क्योंकि हर इंसान को डिजिटल चीजों की सर्विसेज पड़ेगी. डिजिटल एंटरप्रेन्योर में मैं उन लोगों को भी शामिल करना चाहूंगा जो आईटी से रिलेटेड सामान आपको बेचते हैं, जैसे कि लैपटॉप या फिर वायर्स एंड केबल्स एंड चार्जर्स और इस तरह की चीजें, वाईफाई वगैरह से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ये भी तेजी से बढ़ने वाले हैं. सो दोस्तों ये 10 इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ने वाली है. अगर आपके पास पैसा है, अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, अगर आप नए हैं इन इंडस्ट्रीज में तो आंख बंद कर करके कूद जाइए. बट मेक श्योर प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, मेक श्योर आपका आइडिया ठीक होना चाहिए क्योंकि बिना उसके इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो ये सब अगर ठीक रहा तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन दिस काइंड ऑफ एन अनसर्टेन टाइम माय डियर फ्रेंड्स, इन अनसर्टेन टाइम लाइक दिस. ओके, जल्दी से जल्दी इन चीजों के ऊपर रिसर्च कीजिए और हर वो इंडस्ट्री जो कि काफी ज्यादा सफर कर रही है इन दिनों उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए क्योंकि वो लोग, वो इंडस्ट्री सारी की सारी अभी थोड़ी सी स्लो ग्रो होगी. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह काफी स्लो ग्रो होंगी क्योंकि काफी टाइम तक लोग इन चीजों को अब खरीदेंगे नहीं. रियल एस्टेट वगैरह की कंपनीज स्लो ग्रो होंगी. जो डेली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है जैसे टूथपेस्ट हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई या फिर डाबर, च्यवनप्राश, ऑल दोस काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, शुगर एंड ऑल दिस, वो सब चलती रहेगी एज इट इज क्योंकि वो नेसेसिटी की चीजें हैं, वो जरूरत की चीजें हैं, उनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों. सो दोस्तों फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर बन जाइए, फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को डाल लीजिए. बुद्धिमान इंसान वो ही होता है जो अपने आप को बदल लेता है सिचुएशन के हिसाब से और अगर वो टाइम से बदल जाए तो वो हमेशा फायदे में रहता है. अगर आप चाहते हैं इस पीरियड का आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले तो अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस में हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना सिस्टम पुख्ता कर दीजिए. अगर इनमें जा सकते हैं तो जल्दी चले जाइए और अगर इनमें नहीं जा सकते और आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में जो सफर हुई है तो मैं कहूंगा वहां पे इन लोगों की सर्विसेज ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. डिजिटल कोच, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कंसल्टेंट, ट्रेनर या फिर अपने खुद के ऑनलाइन एजुकेशन को लॉन्च अगर करना हो तो आप हमारे डिजिटल कोर्स अकेडमी या कोच मेंटोरशिप वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं. उसके लिए हम काफी सारे फ्री वेबिनार्स करते हैं. उन वेबिनार्स के बारे में आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरी टीम को इन फोन नंबर्स पे फोन करें एंड हम लोग आपको उन वेबिनार्स का लिंक भेज पाएंगे ताकि आप घर बैठे फ्री में वो सारी एजुकेशन हमसे ले सके जो कि आपको जरूरी है. सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों क्योंकि आप और मैं मिलकर बदल सकते हैं पूरे भारत की तस्वीर. God bless you.